काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आज फिर सर्वे होगा। पहले दिन जब सर्वे टीम पहुंची तो उसे विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल पूरा मामला मस्जिद की दीवार से सटे श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर, जहां हर रोज पूजा अर्चना की इजाजत को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब पहले दिन के सर्वे के बाद कुछ वकील दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। चाहता हूं कि पब्लिक के सामने, पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आए। हिंदू जनता ने उस क्रूर शासन को भी देखा है जब उनके जज्बात पर, उनके अस्मिता पर हमला हुआ है, और ये साबित करना है कि हिंदू मंदिर था जब सृष्टि का जन्म हुआ था, त्रेता युग के पहले का। भगवान शिव पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने इस काशी नगरी को बसाया था, तो उसकी रक्षा करना है। गलत हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। अरे कोर्ट के ऑर्डर तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो कि हिंदुस्तान का सबसे मांगनी और सबसे बड़ा जज और सबसे बड़ा कोर्ट था। इसी तरह की कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सर्वे होने में दिक्कत, ऐसा कोर्ट को हम नहीं मानेंगे। तब हिंदू पक्ष की लड़ाई 1670 से चली जा रही है, और इस बात की चली जा रही कि हमारी अस्मिता पर हमला किया गया था और उसमें वापस लेना। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी को लेकर काशी का माहौल कितना गर्म है, यह आपको पिछले एक मिनट के भीतर टीवी स्क्रीन पर आई तस्वीरें और बयान सुनकर महसूस हो गया होगा। कैमरा अंदर जाए और सब कुछ दिख जाए, पीछे क्या नंदी, अभी बाढ़ जो हो रहा है, उतनी बड़ी नंदी, बाबा विश्वनाथ का जहाँ मंदिर होता है उधर मुख करके खड़ा होता है। जो सच्चाई है, सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। वाराणसी की सिविल कोर्ट के आदेश के बाद से ही काशी का तापमान बढ़ने लगा था, लेकिन तापमान के असर की तस्वीर उस वक्त दिखाई दी जब वीडियोग्राफी करने वाली पूरी टीम मस्जिद परिसर के बाहर पहुंची। यहां पर मुस्लिम पक्ष द्वारा नारेबाजी शुरू हो गई है, मुस्लिम पक्ष द्वारा पूरी तरह से यहां पर नारेबाजी की जा रही है और कमीशन का विरोध किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर की हैं। भारी भीड़ मौजूद है और वीडियोग्राफी करने आई टीम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये क्या पहले से योजना थी, जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और जब सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, तो क्या इस तरह की नारेबाजी करके उसका विरोध किया जाएगा? प्रशासनिक टीम लगातार इनको पीछे करती हुई, लगातार शांति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करती हुई। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर से ऐसी तस्वीरों के आने की आशंका पहले से ही थी, और इसी आशंका की वजह से सर्वे टीम के आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोनों पक्षों की करीब 27 लोगों की टीम मस्जिद परिसर के भीतर सर्वे करने के लिए दाखिल हुई। मस्जिद की दीवार से सटे जिस श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद है, हम उसकी कहानी आपको बताएं, उससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। उसी रास्ते से मस्जिद में प्रवेश कर रही है जिसमें आम श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, और लंबी कतार आप देखेंगे पीछे तक है। शुक्रवार यानी जुमे का दिन और नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर नमाजियों की इतनी लंबी लाइन लगी थी जो यहाँ रहने वालों के मुताबिक पहले कभी नहीं देखी गई थी। आप देखिए आज जुमे की नमाज के लिए यहाँ पर भीड़ देखिए, ये तादाद देखिए, भारी तादाद जो मुस्लिम बंधुओं की है। कुछ देर बाद स्थिति ये हो गई कि प्रशासन को ऐलान करना पड़ा कि मस्जिद नमाजियों से फुल हो चुकी है, बाकी लोग किसी और मस्जिद में नमाज के लिए जाएं। अपने घरों को या दूसरी मस्जिद में जाएं, वहाँ से नमाज अदा कर लीजिए। यहाँ ज्ञानवापी वाली मस्जिद में फुल हो गया जगह, यहाँ जगह नहीं है। माहौल में तनाव महसूस किया जा रहा था और तनाव का असर उन दुकानों पर भी था जो हर रोज तो खुल जाया करती थी,
लेकिन 6 मई की दोपहर तक उन पर ताला लटका हुआ था। जो है हर लोग डरे हुए, दुकान अभी खोले कि ना खोले, लोग आधी लगाए कि ना लगाए, पूरा मैदानी से लेकर डालमंडी अभी घूम जाइए, डालमंडी पूरी खुली नहीं है। डर का माहौल के वजह से समझिए 3 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। ये डर, ये नारेबाजी, ये तनाव और ये भीड़, ये सारी कहानी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने से जुड़ी है। टीवी स्क्रीन पर मां श्रृंगार गौरी की वो तस्वीर मौजूद है जिनके दर्शन भक्तों को साल में सिर्फ एक बार होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आप जनेऊ पहना दीजिए, कभी ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। किसी को टोपी पहना दीजिए, कभी मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम नहीं हो सकता। उसी तरह से ये मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा ही, और इस मंदिर के ऊपर टोपी पहनाई गई है, उस टोपी के ऊपर प्रकरण जो विवाद है वो भी समाप्त हो जाएगा। साल में दर्शन एक बार क्यों होते हैं उसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। तस्वीर उस वक्त की है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था। ये मंदिर परिसर है और मंदिर के ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग वाली दीवार से ही सटा है श्रृंगार गौरी का मंदिर। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर सिर्फ एक दीवार पर है। जिस हिस्से में भक्त दिखाई दे रहे हैं वो काशी कॉरिडोर का ही हिस्सा है, लेकिन 2004 में प्रशासन के आदेश के बाद से ही मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन दर्शन और पूजा की इजाजत है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार गौरी पूजा स्थल का ज्यादातर हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर आता है। पहले जब यहाँ पूजा की अनुमति थी तो लोग श्रृंगार गौरी मंदिर की परिक्रमा करते थे और ऐसे में उन्हें पूरे मस्जिद की परिक्रमा करनी होती थी, लेकिन बाद में कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता के मुद्दे पर इस पूजा को बंद कर दिया गया। अब यहाँ साल में सिर्फ एक बार ही पूजा की अनुमति दी गई है। पिछले महीने 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी थी जब भक्त श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। महिलाएं मां श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर अपने सुहाग की सलामती की कामना करती हैं। अब यहाँ से शुरू होती है कोर्ट जाने की कहानी। 5 महिलाओं ने मिलकर कोर्ट में इसी बात की याचिका लगाई कि वो मां श्रृंगार गौरी की आराधना साल में एक बार नहीं बल्कि नियमित रूप से करना चाहती हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी हैं जिनकी तरफ से श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर याचिका दाखिल की गई है। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि मस्जिद परिसर में तो वीडियोग्राफी के आदेश ही नहीं है। मस्जिद परिसर के अंदर जाने का ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर में सिर्फ 9130 प्लॉट नंबर लिखा है। इस प्लॉट का नंबर हु विल वेरीफाई, कौन वेरीफाई करेगा? ये तो प्लेंटी बताया ना कि उस वो की 9130 कहाँ पर है, उसकी उसने अपने प्लेन में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। जबकि याचिका दाखिल करने वाली महिलाओं के पैरोकार जितेंद्र सिंह बता रहे हैं कि प्लॉट नंबर 9130 मतलब पूरे परिसर का सर्वे होना है। जो परिसर प्लॉट नंबर 9130 है उस पूरे परिसर का सर्वे होना है, जिसके अंदर श्रृंगार गौरी, गणेश जी, नंदी जी, हनुमान जी, इसके अतिरिक्त बाहर और अंदर की सारी वीडियोग्राफी, दोनों तहखाने जो मुस्लिम पक्ष के पास है, हिंदू पक्ष के पास है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, उस तथाकथित मंदिर परिसर के अंदर भी, जो कि मूलतः वास्तविक शिव मंदिर ही है, भगवान शिव का विश्वेश्वर का वास्तविक मंदिर है, उसके अंदर ये पूरे परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। विवाद तहखाने को लेकर भी है। हिंदू पक्ष की दलील है कि मूल रूप से जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर ही मौजूद है, इसीलिए हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि अगर वीडियोग्राफी से साक्ष्य जुटाए जाएंगे तो सिर्फ श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए नहीं होंगे बल्कि भविष्य में हाई कोर्ट में चल रहे श्री काशी विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मस्जिद में भी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। जो मूल रूप से जो ज्योतिर्लिंग है, जिसको 12 ज्योतिर्लिंग में जो
काशी का जो ज्योतिर्लिंग है जिसको कहा जाता है वो ज्ञान वापी में ही मौजूद है, और वो जगह पर भगवान शिव ने जो स्थापित किया था शिवलिंग, वो एक अभिमुक्त एरिया है 5 क्रोश का, उसको कहते हैं अभिमुक्त एरिया 5 क्रोश, 5 क्रोश के सर्किल में है। तो सब का सब जो रिलीजियस करेक्टर है पूरे एरिया का वो टेम्पल का हिंदू का है। वहाँ हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू देवी देवताओं के अलावा किसी भी धर्मी का, किसी धर्म के जो हिंदू धर्म के मानने वाले न हों उनका कुछ भी वहाँ अस्तित्व नहीं रह सकता। देखिए इन तहखानों के अंदर ही बहुत कुछ है, और यही कारण है तहखाने पूरी तरह बंद किए हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास से व्यास जी होते थे 90 तक वे तहखाने में जो हिंदू पक्ष के पास है उसमें प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे, चाबी उनके पास थी। 90 के लगभग 90 से 92 के बीच में चाबी प्रशासन को दे दी गई उसकी। सोचने वाली बात यह है कि व्यास जी आखिर डेली वहाँ किसकी पूजा पाठ करने जाते थे, यानी उस तहखाने के अंदर कुछ ना कुछ तो है। और हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, आप खड़े हों अगर नंदी जी की तरफ उस गैलरी में खड़े हों तहखाने की तरफ निचले वाले हिस्से में देखें तो आपको जितने भी पिल्लर हैं उनके ऊपर हिंदू कलाकृतियाँ बहुत सारी दिख जाएंगी। बाहर से जब इतनी दिख रही हैं तो अंदर क्या होगा ये तो अंदर जाने के बाद ही सामने आएगा। ये तस्वीर भी हिंदू पक्ष ने पेश की है, और ये बाबा विश्वनाथ मंदिर की 154 साल पहले की तस्वीर बताई जा रही है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है, और 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग करके मस्जिद बनवाई थी। संत समिति इसी मंदिर के अस्तित्व के लिए लड़ रही है। ABP News आपको रखे आगे।